मैंने सोचा सी कर जैसे हाँ पेट में गुड़ 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 हो रहा है, पता नहीं गर्मी से भूख भी लग रही है, क्या करूं। सुबह से पता कुछ नहीं खाया पिया, 11 बजने वाले हैं तो ये ब्रेड काट रही हूँ अभी, थोड़ा सा लाल चाय, काली चाय जिसको बोलते हैं, वो पीने वाली हूँ। तो सोच रही हूँ उसके साथ ये ब्रेड खा लूँ, सीखूँ कि नहीं, सीख ही लेते हैं। इसका डेट ओवर हो गया है तो ये बच्चों को नहीं दूंगी, 14 जून तक का ही है, कुछ नहीं होता, मैं ही खा लेती हूँ गर्म करके, तो मैं ये सारा ही खा लेती हूँ, अभी रखूँगी नहीं, रखूँगी तो फिर बच्चे खाएंगे, तो इसका डेट जो है ओवर हो चुका है कल ही। मेरा नहाना हो चुका है और पूजा भी देना हो गया है, मैंने सिर में थोड़ा सा तेल लगा के और नहाई हूँ। उधर मेरी किचन की टंकी ओवरफ्लो हो रहा है, भर गया पूरा पानी, इसको शायद अंदर का बॉल खराब हो गया है, इसको रिपोर्ट लिखना पड़ेगा। बोलिए। मैं आपको पौधा संभाल रही हूँ। ठीक है। कुछ कर रही हो? एलोवेरा चाहिए तोड़ दो। अभी देखिए इधर नहीं है, उस तरफ कर दीजिए। क्या हो रहा है ये मुंह में, क्या है ये, क्या फेस मास्क है? बाबू आम खाना है? टीवी रूम में गई, आजा थोड़ा बातें करते हैं। अनुष्का आम खाते खाते टीवी रूम में गई। तो फ्रेंड्स कल था जामाई षष्ठी, हम बंगालियों का जामाई षष्ठी था, तो कहाँ मच्छर, मेरे कान के पास एक मच्छर गाना गा रहा है, बांसुरी बजा रहा है। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, कल था जामाई षष्ठी, जामाई षष्ठी जामाइयों का एक ये होता है, क्या होता है, त्यौहार होता है ना, जामाई जामाई लोगों को सास, जमाई का मतलब भी समझा दो हाँ अभी। जमाई मतलब जमाई, बेटी का पति को जमाई बोलते हैं ना, तो जमाई षष्ठी था, जो सास के लिए जमाई लाते हैं, साड़ी मिठाई वगैरह लाते हैं, तो सास जो सुबह से उपवास रहती है, व्रत रखती है, फिर जमाइयों को बहुत रकम के, जो पूरे साल के जो 5 फल होते हैं, 5 ना 9 फल होते हैं ना, आम कटहल जाम बहुत सारे सब्जी के, मतलब सब्जी
फ्रूट्स गर्मियों के जितने भी फ्रूट्स होते हैं सब देते हैं, और दिन सुबह रे खाते हैं चीड़े दोई फल ये सब खाते हैं। और फॉल भी फिर समझा दो क्या होता है, चिड़े भी फल समझा मीन्स दो क्या होता है। फल, चिड़ा चिड़वा, अरे सबाई जाने चिड़ा चिड़ा, पोहा पोहा, पोहे को हम बंगाली में चिड़े बोलते हैं, जो कि व्रत में भी खाते हैं, कोई कोई अगर व्रत वगैरह रखते हैं तो उसमें भी हम चिड़े खाते हैं, कोई पूजा वगैरह होता है जिस दिन हमें राइस नहीं खाना होता तो उस दिन हम चिड़े चिड़े दोई दोई चिड़े, जैसे षष्ठी वगैरह करते हैं किसका या पेट चिड़े खराब होता है फिर भी बोल पाते दोई। हैं। हाँ, और एकादशी होता है तो एकादशी में भी चिड़े दोई मिष्टी खाते हैं, तो जो वो होता है। और फिर रात को बनता है खाना, चिकन वगैरह जो भी है, मतलब दिन में नहीं खाते हैं, सुबह से दिन तक नहीं खाते हैं, वही खा के रहते हैं फ्रूट और दोई चीरे। तो था तो मेरी जो मंझली दीदी है उनकी 3 बेटी है, बड़ी बेटी मेरे से 2 साल छोटी है और 2 बेटी और है, तो तीनों बेटी आए थे, तीनों जमाई आए थे, उनके घर कलकत्ता में लॉकडाउन है फिर भी उन लोग आए थे, सब साइकिल में करके आए थे, कह रहे थे हम सुबह से निकले साइकिल से और हम दिन में पहुँचे, गाड़ी से जाते तो 1-1.5 घंटे में सब पहुँच जाते, लेकिन साइकिल से गए तो, और गर्मी भी है, और वैसे वहाँ पर वैसे बारिश शुरू हो गया, वहाँ बारिश हो रही है, तो मैंने वीडियो कॉल किया था कल शाम को, तो सारे बैठे हुए थे, सब मुझसे पूछ रहे थे तुम कब आओगी तुम कब आओगी, बहुत साल हो गए तुम नहीं आए, तो सब बहुत अच्छा लगा सबसे बातें करके, क्योंकि तीनों जमाई अलग अलग, सब अलग अलग जगह रहते हैं तो उन लोगों से इतना मिलना नहीं होता, जब भी अगर मैं गई भी होती हूँ तो सबके घर जाना नहीं होता, बहुत दूर दूर रहते हैं, तो बड़े जमाई जो मेरी मछली दीदी की जो बड़े वाले जमाई हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, उन उससे तो कम, वो शादी में ही जब 18 साल पहले जब उनकी शादी हुई थी तभी देखा था, उसके बाद 1 या 2 बार देखा था जब दीदी की दूसरी बेटी और तीसरी बेटी की शादी हुई थी तब तब मिले थे, उसके बाद जब गांव जाती थी तो नहीं मिलना होता था, वो किसान हैं खेती बाड़ी करते हैं बहुत मेहनती है, तो मुझसे सब पूछ रहे थे कि वहाँ दिल्ली में आपकी दिल्ली में सब्जियों की रेट क्या है, तो मैंने कहा यहाँ की सब्जियों की तो बहुत रेट, तो वो तो खुद उगाते हैं ना, तो उनको मतलब वो बोल रहे थे कि हम लोग ऐसे ऐसे इतने में, तो महंगा तो है ही दिल्ली में तो महंगा है, और इतना फ्रेश भी नहीं मिलता, गाँव की तो बात ही अलग है, तो यही सारी बातें की, सब काफ़ी देर तक बातें किया, रात को भी किया शाम को भी किया, फिर उधर मेरे बड़े भैया की जो दोनों बेटी की शादी हुई वो दोनों जमाए आए थे, तो सब मस्ती मार रहे थे, बस मैं यहाँ अकेली पड़ी थी, अफसोस बना रही थी, मैं भी वहाँ होती तो मैं भी इंजॉय करती, मैं इतनी दूर हूँ कैसे जाऊँ, और अभी जो कोरोना चल रहा है इस वजह से तो और भी नहीं जा सकती, तो वैसे ही। और हमारा मेरे हस्बैंड का तो जमाई षष्ठी कभी हुआ ही नहीं है, क्योंकि शादी के बाद ही मैं तो दिल्ली आ गई, तो हुआ ही नहीं कभी भी, 1 साल मम्मी जब आई थी दिल्ली बड़ी बहन के घर थी तब एक ही बार हुआ था, एक ही बार किया था बस, मेरा रक्षाबंधन भी नहीं होता, अपने भाइयों को कभी नहीं बांध पाती मैं, जो चाचा का लड़का रहता है यहाँ पे उसी को बांध पाती हूँ, मामा का लड़का रहता है उसी को ही बांध पाती, खुद के भाई को नहीं बांध पाती, वो सारे कलकत्ते में रहते हैं, तो ये कोई भी त्यौहार होता है पर से तो नहीं जा पाते, शादी ब्याह का होता है तो पहले से अगर पता होता है तो चले जाते हैं, तो उसमें भी नहीं जा पाते, तो यही है मेरा। गुटली को भी पूरा चूस चूस के सफेद कर दिया, अब छोड़ दे वो भी बेचारा रो रहा होगा, ये पेड़ का पका हुआ आम है, किसी ने मुझे दिया 2 आम, उनके फार्म हाउस से आया था, हमारी एक पड़ोसी उनके फार्म हाउस से आम, एक मच्छर घूम रहा है मैं उसको मार ही नहीं पा रही, ओ बस छोड़ दे फेंक दे बेचारे की जान लेगी, बाहर लगा दे उग जाएगा। छोड़ दे बेचारे में कुछ है भी नहीं, इसको गांव में ले जाके ना और आम के पेड़ के नीचे जाके बिठाना पड़ेगा, एक ही काम टप टप गिरेगा और खाती जाएगी,
देखते कितना आम खा पाती है। जब घर जाएंगे ना तुझे तो लेके जाऊंगी। जब से अनुष्का बड़ी हुई है, अभी अनुष्का ने गांव का पूरा देखा ही नहीं है। जब छोटी थी गई थी, 5 साल की थी। रिकॉर्ड कर रहे हो? बस खा रही हूँ तब से, वही रिकॉर्ड कर रही वही हूँ। रिकॉर्ड कर रही हूँ। अरे छोड़ दे, पेट में फिर से गुड़ 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 हो रहा है। पापा दवाई लाए, दवाई खाया, फिर अब बोलने के बाद फिर गुड़ 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 हो रहा है। मेरा पता नहीं कल से क्या हो रहा है, मेरा पेट में गुड़ 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 हो रहा है, शायद गर्मी से। और मैंने आज वही सुबेरे चीरे 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 चिड़िए को नमक और वो देखो नींबू बदतमीजों पर घूम रहा है। नींबू लगा के खाया। फिर अभी दिन में मैंने थोड़ा सा जो गेंदा लिपा था बाटा। अब वो भी बता दो क्या होता है गेंदा लिपा था। भाई मुझे हिंदी में नहीं पता, जो बंगाली है वो जान जाएंगे। गेंदा लिपा था बाटा गरम भाते साथे खाया। भात बता दीजिए। भात, अरे भात तो सबको ही पता है भाई, भात मीन्स राइस, राइस चावल। आजकल सबको पता है, गूगल में सब सर्च करेंगे भात क्या है। What is भात, भात, भात? व्हाट इज भात, भात मीन्स राइस। हाँ हम बंगालियों का भात, बहुत लोगों बहुत भाषा में भात बोलते हैं। बिहार में भी शायद भात बोलते हैं, गढ़वाली में भी भात बोलते हैं, है ना? बोलते हैं ना? कौन Everyone, से लैंग्वेज में राइस no. को भात बोलते हैं? तो चलिए इस बकर बकर के साथ ये ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। ये तो इसकी तो गुठली ख़त्म ही नहीं हो रही, पता नहीं लग रहा है गुठली की जान लेके रहेगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और हाँ, लाइक Do और like, share and subscribe to Mama's channel. We will see you in the next video. Take care. Bye bye. कल कल तक भी एक खाती ही रहेगी लग रहा है।